क्या आप भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हो चुके हैं? क्या आप व्हाट्सएप ग्रुप को रिपोर्ट करके बाहर आ चुके हैं और उस ग्रुप में आप फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर उस ग्रुप को वापस लाना चाहते हैं? तो इस वीडियो को आप देखते रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को वही तरीका बताऊँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मेरे व्हाट्सएप में एक ग्रुप है, हैप्पी ग्रुप नाम के से। इस ग्रुप को आप देख सकते हैं, इसमें जो है मैं ऐड हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो ग्रुप है, मैं इसको रिपोर्ट कर दूंगा, यहाँ से मैं बाहर चला जाऊंगा और मैं फिर आपको बताऊंगा कि इस ग्रुप को वापस से आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ ग्रुप में, और उसके बाद नीचे जाने के बाद यहाँ से मैं रिपोर्ट ग्रुप पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद रिपोर्ट पर क्लिक कर देता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि मैं इस ग्रुप से बाहर आ चुका हूँ। देख सकते हैं, यहाँ से मैं जो ग्रुप है वो ग्रुप को डिलीट कर दिया हूँ, रिपोर्ट कर दिया हूँ, यहाँ से बाहर आ चुका हूँ। अब मेरे व्हाट्सएप में कोई भी जो ग्रुप है वो नहीं है। अब वापस से मैं इसको ज्वाइन करना चाहूँगा इस ग्रुप में, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप थ्री डॉट पे क्लिक कर लीजिए, देन सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा चैट, चैट पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखेगा चैट बैकअप, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको चैट बैकअप पर क्लिक नहीं करना है। ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, आपको चैट बैकअप पे क्लिक नहीं कर लेना है। बस आपको एक बार चेक कर लेना है, देख लेना है कि ये जो चैट बैकअप है वो लास्ट कब का लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो चैट बैकअप है वो कब का, मतलब लास्ट कब का हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ईमेल आईडी ऐड होते हैं तो वो चैट बैकअप होते रहते हैं, जैसे कि एक महीना पे, एक वीक पे, या फिर डेली डेली जो वो चैट बैकअप होते रहते हैं। अगर आप में चैट बैकअप का ये ऑप्शन ऑन है, चैट बैकअप हो रहा है, तो बस आपको यहाँ से चेक कर लेना है, उसके बाद यहाँ से बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद व्हाट्सएप से बाहर आ जाइए। व्हाट्सएप से बाहर आने के बाद अब आपको व्हाट्सएप पे लॉन्ग प्रेस करना है। देन यहाँ पर ऐप इन्फो पे जाना है, ऐप इन्फो पे क्लिक करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर सेटिंग से भी आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा स्टोरेज एंड कैच, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लियर स्टोरेज पर क्लिक कर देंगे, डिलीट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम लोग बाहर आ जाएंगे, व्हाट्सएप को ओपन करेंगे। जैसे ही व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो ये जो है नया के जैसा ओपन होगा, बिल्कुल नया के जैसा। यहाँ पर हमें फिर से लॉगिन कर लेना है, अपना नंबर डालेंगे इसमें और लॉगिन कर लेंगे। नंबर डाल के लॉगिन करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अलाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर ये जो है बैकअप का एक ऑप्शन आएगा, इस पर गिव परमिशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग ईमेल आईडी पे सेलेक्ट कर देंगे। जैसे ही आप इसमें लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपके पास जितना भी ये सब डिलीट अकाउंट होगा वो सब यहाँ पर आ जाएंगे, बैकअप होगा। तो उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा जो हैप्पी ग्रुप है वो भी वापस से आ चुका है। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब क्योंकि हम इस ग्रुप में कुछ भी मैसेज नहीं कर सकते हैं, इस ग्रुप से हम लोग बाहर हैं, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से एडमिन को खोजेंगे, इस ग्रुप के एडमिन को खोजेंगे। जो भी इस ग्रुप के एडमिन होगा उस पर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, उसके चैट पर, और उसके बाद यहाँ पर मैसेज पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद यहाँ से लिखेंगे हेलो, कुछ भी लिखेंगे कि मुझे इस ग्रुप का जो लिंक है वो भेज दीजिए। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, मैंने इस तरह से भेज दिया है उसको मैसेज, ग्रुप के एडमिन जो होगा उसको हमने मैसेज भेज दिया है, तो वो जो है हमें मैसेज भेजेगा, एक ग्रुप का लिंक भेज देगा जो भी ग्रुप से हमने लेफ्ट किया है। बस ये इस तरह से एक लिंक आएगा, ज्वाइन ग्रुप पर क्लिक कर देंगे हम लोग। ज्वाइन पर फिर से क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं हम लोग अपने जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। और इस तरह से हम लोग अब ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हैं। इसी तरह से आप भी अपने खोए हुए व्हाट्सएप ग्रुप या फिर जो रिपोर्ट किया है व्हाट्सएप ग्रुप, उसको वापस से ला सकते हैं।